हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। माय सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। टुडे चिल्ड्रन, फॉर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू मेक अ वीडियो फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देर विल बी अ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू मेक अ वीडियो फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू दिस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वीडियो, we will discuss about all the things regarding the understanding of the more valuable things of the chemistry. Now, I don't want to waste the time. So, first of all, if you are new at my video, in that way you have to share and like my video in future. And I would like to tell you that please subscribe my video also. And whenever the video has been started, you have to take a copy and pen and start writing also. See this page first of all. In this page, we are seeing that how many points we will discuss in this chapter. So that is introduction, law of chemical combination, Dalton atomic theory, atoms, symbol used to represent atoms of different elements, atomic mass or relative atomic mass, gram atomic mass, okay, and gram atom, how do atoms exist, okay, and molecule, ions, chemical formula of compounds, molecular mass, gram molecular mass or a gram molecule, formula mass or a formula unit mass, and composition of compound, mole concept, relationship between mole, Avogadro number, value, volume and mass. So these are the content we will discuss in this chapter. Okay, so I will not waste the time. I will come to the point, because you will face only multiple choice question, a very short question. That is why I decided that I will just discuss very important points regarding this chapter. So first of all, we have to see that कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे changes होते रहते हैं, ठीक है। तो वो changes chemical भी हो सकते हैं, physical भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो change chemicals होते हैं तो पहले कोई ना कोई reactant participate करता होगा, तब वो chemical change होती हैं, फिर chemical reactions होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मान लीजिए आप मिल्क से कर्ड बनाने का एक प्रोसेस को समझना चाहते हैं। तो मान लीजिए कुछ 1 लीटर ऑफ मिल्क है और उसमें कुछ मात्रा में हमने कर्ड डाल दिया। तो मिल्क और कर्ड दोनों का वेट कर लीजिए, कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। थोड़ी देर का मतलब 6 और 7 आवर के लिए रख देंगे। इसके बाद आफ्टर दैट यू विल ऑब्जर्व दैट होल मिल्क हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कर्ड। तो अगर हम वेट कर लें जो नया बनने वाला कर्ड है उसका, और पहले हमने मिल्क और स्मॉलर क्वांटिटी में एज ए कैटलिस्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट लिया था, उसका वेट कर लें, तो हमेशा रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो मास होते हैं हमेशा प्रोडक्ट के मास के जस्ट इक्वल होते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताए गए हैं कि किस टाइप के चेंजेस होते हैं, किस टाइप से मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला लॉ, वैसे हम इस चैप्टर के अंदर केवल 2 लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी के जो लॉ हैं वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट लॉ है। इस लॉ को एंटोनी लेबोसियर ने दिया है। लेबोसियर इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जिन्होंने दिया था 1789 में, काफ़ी टाइम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम इसकी लॉ के तय में जाते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो कोई भी पदार्थ है ना, दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ये आपका फंडा है। दूसरी बात ये है कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसका मैंने एग्जांपल आपको समझाई दिया है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ
इस डायग्राम के अंदर कुछ दिखाया गया है, है ना। इसे देखते हैं, मान लीजिए कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सोडियम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बेरियम सब क्लोराइड ले लिया, सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड ले लिया, ये आपका होता है BaCl2, ठीक है। और उन्होंने ले लिया सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, फिर ले लिया आपका Na2, है ना, SO4, ठीक है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसका वेट कर लिया, फिर रिएक्शन के बाद बना आपका BaSO4, ठीक है, फिर है 2NaCl, ठीक है। ये टाइम दे दिया, हाँ, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो आपका मास पहले था दोनों रिएक्टेंट का, वही रिएक्शन की कंप्लीट होने के बाद जो आपका मास होगा प्रोडक्ट का, वो फिक्स होगा। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। एक और लॉ देख लेते हैं, बस इतना ही सीखना है। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन और अ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। इस लॉ को जोसेफ प्राउस ने दिया है, ठीक है, सजेस्ट किया था या प्रपोज किया था। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस H2O से आप क्या समझ सकते हो, इससे हम ये समझ सकते हैं कि H2O के अंदर दो तो हाइड्रोजन एटम हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। तो वो ये कहना चाह रहा है, ये लॉ ये कह रहा है कि कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड को बनाओ, लेकिन उसका जो कंपोजिशन होगा ना, वो कभी चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू देयर मास। अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर कम्बाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड और डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द मास, ठीक है। इसी लॉ को हम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। एग्जाम्पल वही है, जैसे आप मान लीजिए NaCl, तो NaCl में जितना Na का कंट्रीब्यूशन है उतना Cl का रहेगा और कम ज़्यादा नहीं होगा, चाहे वो अमेरिका का NaCl हो चाहे आपका चाइना का हो। ऐसे वाटर है, वाटर का बाई मास कंपोजिशन हमेशा चेंज बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता कंपोजिशन। जैसे आपका H2O है, तो इसमें 2:16 मास हो गया, तो 1:8 हो गया, ये आपका मास का रेशियो रहेगा, ठीक है। अब ये जो लॉ देख रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आपको समझना है, बस ज़्यादा नहीं करना है। हम आते हैं सीधा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मैं आपको समझाऊँ कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल केमिकल चेंज जो हो रहा है उसमें किसी भी टाइप का मास चेंज नहीं होता। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दस हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ ओनली द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके, वाइल ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ ओनली द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो HCl है ना, तो HCl में हाइड्रोजन का मास अलग होगा और Cl का मास अलग होगा, सीधी सी बात है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें आपके एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। तो एक ये पॉइंट याद कर लो, एक ये पॉइंट लर्न कर लो, और ये डिफरेंट वाला एटम सेम एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर, ये 5 पॉइंट आप लर्न कर लीजिए, बस हो गया काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एटम की। तो एटम की डेफिनेशन तो हम पहले बता ही चुके कि आई हैव डिस्कस अर्लियर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती उसी को हम कहेंगे एटम। एंड वी कैन सी दैट एटम टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है। डाल्टन ने अपनी
अपनी रिसर्च के आधार पर, डाल्टन ने अपनी रिसर्च के आधार पर अलग अलग एलिमेंट, जब उस टाइम पर जो हुई कंडीशन थी है ना, आज से 200 ईयर्स अगो, तो उन एलिमेंट के कुछ सिंबल बनाए थे उन्होंने, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कॉपर है, कार्बन है, सल्फर है, ठीक है। तो इनके अपने सिंबल बनाए थे। तो जब सिंबल उन्होंने बनाए, तो उन्होंने कुछ ऐसी कहीं गोला बना दिया, स्फीयर बना दिया, कहीं उसे दो पार्ट में काट दिया, उसका डायमीटर दिखा दिया, इस टाइप की चीज़ें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। IUPAC ने उसे खारिज कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड का मतलब होता है वो उससे मान्य नहीं किया गया। फिर बाद में आए एक बहुत ही होनहार साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्हें कहते हैं हम बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके फर्स्ट लेटर को ले लो, अगर उस जैसा कोई और एलिमेंट है स्पेलिंग वाला तो फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, फिर भी बात नहीं बन रही है तो क्या करो कि लैटिन नेम का यूटिलाइजेशन कर लो। ओवरऑल हर एलिमेंट का सिंबल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए, जिससे क्या हो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। इसी के बेस पर यहाँ पर आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर, मैं अभी समझा दूँ कि हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H है, हीलियम का सिंबल कैपिटल H स्मॉल E है, लिथियम का सिंबल कैपिटल L स्मॉल I है, ठीक है, बोरॉन का सिंबल B है, कार्बन का सिंबल C है, नाइट्रोजन का सिंबल कैपिटल N है, ऑक्सीजन का सिंबल कैपिटल O है, फ्लोरीन का सिंबल कैपिटल F है, नियॉन का सिंबल कैपिटल N स्मॉल E है, मैग्नीशियम का सिंबल कैपिटल M स्मॉल G है। चलिए और भी सिंबल चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल कैपिटल A स्मॉल L है, सिलिकन का सिंबल कैपिटल S और स्मॉल I है, फॉस्फोरस का सिंबल कैपिटल P है, सल्फर का सिंबल कैपिटल S है, क्लोरीन का सिंबल कैपिटल C स्मॉल L है, आर्गन का सिंबल कैपिटल A स्मॉल R है, और कैल्शियम का सिंबल कैपिटल C स्मॉल A है, मैग्नीज का सिंबल है ना कैपिटल M स्मॉल N है, निकिल का सिंबल कैपिटल N स्मॉल I है, जिंक का सिंबल कैपिटल Z और स्मॉल N है, BR ब्रोमीन का सिंबल कैपिटल B है, क्रिप्टन KR का सिंबल कैपिटल K और R है, आयरिन का सिंबल कैपिटल I है, बेरियम का सिंबल कैपिटल B स्मॉल A है, कोबाल्ट का सिंबल कैपिटल C और O है, प्लैटिनम का सिंबल PT है, यूरेनियम का U है और थोरियम का TH है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक और इसमें टॉपिक है, उसे हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम ये वीडियो यहीं पे फिनिश कर देंगे। तब तक आप इस वीडियो की जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उन्हें लर्न कर लें, दो लॉ हो जाएंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और सिंबल, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। इस टेबल के अंदर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये लैटिन नेम्स दिए गए हैं, जैसे सोडियम है उसका लैटिन नेम नेट्रियम होता है, पोटेशियम है उसका लैटिन नेम कैलियम होता है, आयरन है आयरन का सिंबल फेरियम होता है, कॉपर का सिंबल क्यूप्रम होता है, सिल्वर का सिंबल अर्जेंटम होता है, कैपिटल N A कैपिटल K कैपिटल F स्मॉल E कैपिटल C स्मॉल U और कैपिटल A स्मॉल G, ठीक है। और इसके बाद आपका गोल्ड, इसके बाद गोल्ड है, जैसे आप गोल्ड है ना, और सिंबल है उसका AU, मरकरी सिंबल है HG, लेड सिंबल है प्लम्बम, टिन स्टेनम, ठीक है, एंटीमनी स्टेबियम, ये आपके सिंबल्स हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ एटॉमिक मास, ठीक है, क्या करेंगे एटॉमिक मास को हम समझा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, और आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।